अस्सलाम वालेकुम, मैं साबी आपकी खिदमत में हाजिर प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। जब मैं ये कहती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, तो वो होते हैं फख्र पाकिस्तान, हमारे मुल्क के वो लोग जो पिलर ऑफ पाकिस्तान है। और किसी भी मुल्क की मईशत की बात करें, उसकी तरक्की की बात करें, तो वो जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है वो एक पिलर ऑफ पाकिस्तान का किरदार निभाती है। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं जब ऐसे इंस्पिरेशनल लोगों के साथ मुलाकात करती हूँ, वो हम सब के लिए मोटिवेशनल पर्सन होते हैं। और उनकी ज़िंदगी की एक जद्दोजहद होती है, उनकी ज़िंदगी की एक स्ट्रगल होती है, जो शायद हम लोगों को नज़र नहीं आती। हम सिर्फ उनको इस वर्जन से देखते हैं कि ही इज़ अ पर्सन, ही इज़ अ सक्सेसफुल मैन, बट इसके बिहाइंड एक बहुत ऊँच नीच, उतार चढ़ाव, धूप छाँव और बहुत कुछ शामिल होता है, जो उनकी एज में, उनके चेहरों के नकूश में, उनके चेहरों की लकीरों में छुपा होता है, जो अपनी स्माइल से बताते हैं कि हम हैं, हम लोगों ने जीत लिया, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल होता है। लाइक आज मेरे दरमियान एक बहुत ही सीनियर पर्सन मौजूद हैं, बिजनेस कम्युनिटी में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और बड़ा नाम है। जब उनका मैं नाम लूँगी और उनसे गुफ्तगू करूँगी, तो आपको भी मालूम हो जाएगा कि ये हिडन हीरे, ये नगीने, ये सितारे कहाँ छुपे हुए हैं। यस, ये हमारे पाकिस्तान में हैं और बहुत सारे लोग उनको जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते, वो आज जान जाएंगे। तो हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं सितारे इम्तियाज और फॉर्मर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और बहुत सारी, एक मेरे पास तो कार्ड है, वो बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं उनका इंट्रोडक्शन डिफरेंट, अगर उन्होंने डिफरेंट डेजिग्नेशन ली है तो मैं लेना शुरू करूँगी तो मेरे ख्याल में मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सिंपल ये कहूँगी, नेशन बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं मियाँ जाहिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम, कैसे हैं जी? बहुत शुक्रिया आपका सर, ठीक ठाक सर। अच्छा लगा आज आपने मुझे थोड़ा अपना कीमती वक्त दिया, बिजनेसमैन का तो एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। नहीं, खैर ये भी आपका जो प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ ये भी बड़ा कीमती प्रोग्राम है, और आप जिस तरीके से ये लाखों लोगों तक ये आपका प्रोग्राम आउटरीच करता है, तो एक अच्छा प्रोग्राम है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए मेरा टाइम देना या टाइम निकालना, दिस इज़ नॉट ए बिग डील, और मेरे लिए भी एक ऑनर और एजाज़ की बात है आपके प्रोग्राम में शिरकत करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान ने आपको सितारा इम्तियाज से भी नवाजा, और यू आर डिजर्विंग। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मियाँ जाहिद हुसैन कौन है? मियाँ जाहिद हुसैन एक बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी है, एक आम से आदमी है और नथिंग स्पेशल पर्सन, और अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और लोगों में एक प्यार दिया, और पाकिस्तान का, इसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तान का एक मेरे ऊपर एहसान है और एक कर्ज़ है कि मुझे पाकिस्तान ने इज़्ज़त दी। तो बाकी आई एम नॉट, मतलब कोई ख़ास आदमी नहीं हूँ मैं, आई एम ए वेरी कॉमन पर्सन। नहीं, ये तो आपकी एक अपनी वो है, एक डाउन टू अर्थ आप पर्सन हैं, हम्बल हैं। और मैं आपकी स्ट्रगल की, अभी तो जब हमारी बात हो रही होती है और कुछ नॉलेज ली जाती है, तो बिकॉज़ इनके फादर कुछ इतने बड़े मिडिल क्लास, हम ये कह सकते हैं स्ट्रगलिंग थे, और उनमें से एक हीरा है, उनका बेटा निकला और उसने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट कंट्रीज़ में ये जा चुके हैं, और बिजनेस कम्युनिटी में फेडरेशन की बात करूं वहां पर भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया, फिर इन्होंने काटी में भी एज अ प्रेजिडेंट का भी एक डेजिग्नेशन ली, उसमें भी इन्होंने अपना नाम, अपने बिजनेस कम्युनिटी को ले कर चले। सबको ले कर चलना और पाकिस्तान की इस वक्त मईशत जो प्रेजेंट कर रही है, क्या समझते हैं कि हम सही हैं या अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान की जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, तो मैंने इसको बड़े करीब से देखा है और बड़ी गहरी नज़र से देखा है, क्योंकि मैं, चूँकि जैसे अभी आपने कहा करूँगी एसोसिएशन का, मैं दो दफ़ा प्रेजिडेंट रहा हूँ, लेकिन वो को 10-12 साल जो है करूँगी एसोसिएशन मेरे अंडर ही चलती रही है। माशाल्लाह। इसके अलावा फेडरेशन में मेरा एक अच्छा रोल रहा है जी जी। और बिजनेस पॉलिटिक्स में भी रहा है, और फिर ये कि मेरे साथ इस वक्त कोई तकरीबन 100 के करीब चैम्बर्स हैं पाकिस्तान में और एसोसिएशन हैं, ट्रेड बॉडीज़ हैं, तो हम चूँकि उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को हमने बड़े करीब से देखा है। फिर दूसरी बात ये कि हमने
ये देखा है, चूँकि मैं बैरिया यूनिवर्सिटी जो है उसका भी एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन हूँ, इसी तरीके से DHSUFA यूनिवर्सिटी है उसका एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन हूँ, इंडस यूनिवर्सिटी ने मुझे PhD की ऑनरेरी डिग्री दी, तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हमारा ताल्लुक कुछ यूनिवर्सिटियों के साथ भी है जहाँ पर ज़ाहिर तालीम भी होती है, रिसर्च भी होती है, और बिज़नेस कम्यूनिटी के साथ है, तो उनकी कॉम्बिनेशन से हमने जो चीज़ों को देखा है और परखा है, तो हमारे जो व्यूज़ हैं वो वन साइडेड नहीं है कि हम सिर्फ को बिज़नेस कम्युनिटी ही के लिए समझते हों या सोचते हों, हमने उसको पाकिस्तान के एंगल से भी देखा है, हमने उसको गरीब आदमी के एंगल से भी देखा है, हमने उसको वुमेन के एंगल से भी देखा है, हमने उसको नौजवान के एंगल से भी देखा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है आपको पता है कि नौजवान जो है वो 62-63% है, और दुनिया में शायद पाकिस्तान दूसरा या तीसरा मुल्क है जिसमें यूथ की इतना बड़ा बल्ज है, तो इस हवाले से हमने उसको, चूँकि यूनिवर्सिटीज़ के साथ होने की वजह से, तो हमने पाकिस्तान को सिर्फ बिजनेसमैन की आंख से नहीं देखा, हमने इंडस्ट्रियलिस्ट की आंख से नहीं देखा, बल्कि हमने वुमेन और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन की नज़र से भी देखा, स्मॉल बिजनेस वालों को भी आपने, हाँ, और नौजवानों की नज़र से भी देखा, तो उसमें मैंने ये कुछ चीज़ें जो देखी हैं, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफा है, हम ये तो हर शख्स कहता है कि पाकिस्तान अल्लाह का तोहफा है, लेकिन हमने तो उसको करीब से परखा है और जांचा है, तो पाकिस्तान जो है वाकई एक अल्लाह का बहुत बड़ा हथिया है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और इसमें हमारे पास सब कुछ मौजूद है, तरक्की करने की हर चीज़, हर लवाजमात, सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें वदियत किया है। अब बात यह है कि हमारी इकॉनमी का आपने सवाल किया, तो इकॉनमी हमारी जो है वो हम पिछले 70-75 साल से, या जब से आपने होश संभाला है, जब से मैंने होश संभाला है, तो हम यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एक नाजुक दौर से गुजर रही है हमेशा। हाँ, तो अब वो नाजुक दौर से क्यों गुजर रही है, उसकी सिंपल सी रीज़न है, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं और हमारी आमदनी कम है। अगर हम पिछले साल ही की मिसाल ले लें तो हमने कोई 80 अरब डॉलर की इम्पोर्ट्स की हैं और तकरीबन कोई 30 अरब 32 अरब 31 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट हैं, 30-31-32 अरब डॉलर की हमारी फॉरेन रेमिटेंस है, तो 60-62 अरब डॉलर की, यानी दोनों को मिला के हमारी इनकम है, 80 अरब डॉलर का एक्सपेंस है, तो नेट हमारा जो है 18 अरब डॉलर का खसारा है। तो जो कौम 18 अरब डॉलर का खसारा करती है एक साल में, तो फिर ज़ाहिर है कि वो फिर ज़ाहिर है कि कौम जो है वो सारी दुनिया में कशकोल लेके घूमेगी ना, बिल्कुल, और फिर उसको कौन कितने अरसे तक कौन कर्जे देगा, तो ये हमारी एक जो क्या कहना चाहिए एक सैड स्टोरी है। अब इसको ही हम अगर एनालाइज करें, जो मैं कह रहा था ना कि पाकिस्तान अल्लाह का तोहफा और इसमें अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी है, बात यह है कि हम खुद बिगाड़ने वाले हैं, हमने ये 18 अरब डॉलर का खसारा कर दिया, और ये खसारा हुआ क्यों, वो इसलिए हुआ कि 17 अरब डॉलर की तो हमने सिर्फ एग्रीकल्चरल आइटम मंगा लिए, जिसमें 10 अरब डॉलर के फूड आइटम्स, 2 अरब डॉलर की कॉटन, 1 अरब डॉलर की चाय और 4 अरब डॉलर का पाम ऑयल, ये सारे आइटम वो हैं कि 17 अरब डॉलर का मतलब है कि 3400-3500 अरब रुपया जो है वो हमने बैरून मुल्क किसानों को दिया, अपने किसानों को नहीं दिया। अरे अल्लाह सर, इतनी मतलब आपने वो निशानदेही करे, क्योंकि बिजनेसमैन है ना। ओके ओके सर, तो 3500 अरब रुपया अगर हमने अपने किसानों को दिया होता तो आज पाकिस्तान में ज़रई इंकलाब होता, पाकिस्तान जो है एक देर होता, सर सब्ज मुल्क होता, और पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर रहे होते ज़रई चीज़ें। सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा, हमने वो बैरून मुल्क लोगों को दिया, उनके किसानों को दिया, सही। अच्छा, अब ये जो तरजीहात का फ़र्क है, इसी तरीके से हमने 4 अरब डॉलर की गाड़ियाँ मंगवाई पिछले साल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। अच्छा, अब 4 अरब डॉलर की गाड़ियाँ मंगाने की क्या ज़रूरत है, 17 अरब डॉलर के आप कहते हैं कि हम एक ज़रई मुल्क हैं, लेकिन 17 अरब डॉलर की ज़रई अशिया जो है वो आप बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। इसी तरीके से फिर आपने 20 अरब डॉलर का आपने पेट्रोलियम मंगवाया, एनर्जी, ठीक, ये भी है, ये। वो आपको बिजली बनाने के लिए वो भी चाहिए, ठीक, गाड़ियाँ चलाने के लिए चाहिए, तो 20 अरब डॉलर का मतलब है कुछ 4000 अरब रुपया, ठीक है। अब वो 4000 अरब रुपया जो है वो हमने बैरून मुल्क दिया, सही, उनसे हमने पेट्रोल या ऑयल मंगवाया, ठीक है, और फिर उन्हीं से 3 अरब डॉलर के कर्जे मांग रहे हैं, ठीक। ये तो मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, बहुत बार। अब बात क्या है कि वो अगर हम 4000 अरब रुपया, फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान में
इस कमरे में इस वक्त 3-4 लोग हैं, कैमरा मैन है, आप है, मैं हूँ। अगर सबको जितना जिसका बिल आता है, अगर गवर्नमेंट हम सबको किसी को 50,000 रुपए दे, किसी को 1,00,000 दे, किसी को 2,00,000 दे कि जी आप अपने यहाँ 3 महीने के अंदर अंदर सोलर लगवा लें, ठीक है, और कर्जे हंसना दे दे, या जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको कर्जे हंसना ना दे, ठीक है, जो नहीं कर सकते उनको कर्जे हंसना दे दे, सही, और इंटरेस्ट फ्री दे दे, और उन्हें कहे कि जी ये आपने 3 महीने में सोलर लगाना है अपने घर में, और नहीं लगाया 3 महीने में तो 4th महीने से आपको जो बिल आएगा बिजली का वो 100 रुपए यूनिट आएगा। ये तो बाहर मुल्क का है स्ट्रेटजी इस तरह का मेरा। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि जब गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही होगी और साथ पाबंद कर रही होगी कि 3 महीने में बिजली लगा लो सोलर, सही, तो पाकिस्तान में हर शख्स जो है हर घर में सोलर लगाओगा। तो जब सोलर, यानी मैं बात क्या कर रहा हूँ, वही 4,000 अरब रुपया जो हमने बैरून मुल्क ऑयल इम्पोर्ट करने के लिए दिया है, ठीक ठीक, वो अगर अपने पाकिस्तानियों को दे दें तो ज्यादा, तो सोलर लग जाएगा, सोलर लग जाएगा तो कम से कम 10 अरब डॉलर की आपकी पेट्रोलियम की इम्पोर्ट कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बात समझ, बिल्कुल। इसी तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अगर आप खुले कर्जे दे दें इसी 4,000 अरब में से और उसे कहें जी 6 महीने में लगा लो सोलर, सही, नहीं लगाओगे तो 100 रुपए यूनिट होगी बिजली, ठीक, तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो बिल है पेट्रोलियम इम्पोर्ट का वो खासी हद तक मैं समझता हूँ 70-80% आपका जो है वो बिल आपका कम हो जाएगा। बेशक, और रकम हमारे पास है, जब हम बैरून मुल्क दूसरे गैरों को वही पैसा दे रहे हैं, ठीक, तो वो पैसा हम अपने लोगों को दें और उन्हें कहें कि जी ये आप सोलर लगा लें या आप ज़राअत में इस्तेमाल करें, तो इस तरीके से हमारा ये जो 80 अरब ये बर्डन है ये काफी हद तक। लेकिन सर आपने ये क्यों नहीं आइडिया दिया, हम वही बात कर रहे थे, आप माशाल्लाह इतनी मतलब ब्रीफ आपने इतना ऑथेंटिक तरीके से किया और वो भी फेवरेबल पाकिस्तान के, तो आपने क्यों नहीं आइडिया दिया, जो भी पार्टी वगैरह आई है उससे क्यों नहीं आपसे डिस्कस हुई नहीं या मौका नहीं मिला, जबकि आप तो मिनिस्टरों में ऐसे मिलते रहते हैं जैसे दोस्ती है आप लोगों के साथ। जी बिल्कुल, हम ये आइडिया देते रहते हैं, तो फिर क्यों नहीं फॉलो करते वो लोग, ऐसे नहीं कि हम ये आइडियाज नहीं देते, हम ये आइडियाज देते रहते हैं, और ये आइडियाज जो है ये कोई हमें कोई खुदा ना खास्ता कोई मतलब कोई वही नहीं उतरी, ये हम ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ठीक है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जो पाकिस्तान का इदारा शुमारियात है उसमें ये अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ अवेलेबल है। अब तो आपको पता है कि इतलात का या इनका मीडिया का दौर है, तो हर चीज़ हर आदमी के लिए अवेलेबल है, और हम यूनिवर्सिटियों में इसकी रिसर्च करवाते हैं, हम गवर्नमेंट को ये चीज़ें बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि जी आप इस तरह ना करें, ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप इसी तरीके से पाकिस्तानियों को रोज़गार दें, पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट करें, सही। और फिर ये कि ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बिल्कुल, पूरी दुनिया में सोलर एक सक्सेस स्टोरी है, पूरी दुनिया में चल रहा है, ज़राअत एक सक्सेस स्टोरी है, आखिर ज़रिए अशिया दूसरे मुल्कों से मंगवा रहे हैं तो वहाँ हैं तो मंगवा रहे हैं ना, उनको पैसे दे के ही ले रहे हैं ना, तो वही पैसे अपने लोगों को दे दें और अपने लोगों से खरीद लें वही चीज़ें, अपने लोगों को कहें कि भाई ये तुम ये प्रोडक्शन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ें मुमकिन है ये। लेकिन बात ये है कि इस पे अमल दरामद में कुछ ब्यूरोक्रेसी रुकावट होती है, कुछ गवर्नमेंट के अपने प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी आज हमने आपको अगर फ़र्ज़ कीजिए जी कि आप अगर एक किसान हैं और आपको हमने 5,00,000 कर्जा दे दिया, ठीक, तो आप तो लेके भाग जाएंगी, तो फिर वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो पाकिस्तानियों में एक ये भी प्रॉब्लम है। तो फिर लेकिन बात यह है कि ये सारे एनफोर्समेंट के इशूज़ हैं, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के इशूज़ हैं, इनको हमें अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन से, अच्छी मैनेजमेंट से, अच्छी कर सकते तरीके से इन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं कि पाकिस्तान में लोग जो है वो पैसे लेके भाग ना जाए। हाँ। तो उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस करना, यानी कि एक गवर्नमेंट को एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, आइडियाज ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है देन वो बिल्कुल जिस चीज़ों को फेस कर रही है वो उनसे उनको आगाही दे सकती है। लेट्स सी, ये तो अभी वो पॉलिटिकल पार्टीज जो भी इस वक्त इख्तदार में हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि हम अपनी आवाम के लिए क्या बेहतर सोच सकते हैं, और हैरान कौन बात है सोचते नहीं हैं। अब मियाँ जाहिद हुसैन साहब बताएंगे कि अब सैलाब ने जो एक अल्लाह माफ़ करे एक बर्बादी का एक समा दिखा दिया है हमें, सब लोग अपने घरों से निकल के उनकी मदद तो करें, लेकिन ये क्यों हर साल हम सैलाब देखते हैं, इस बार तो मैं हमें इंडिया का भी पानी हमेशा यहाँ छूट जाता है और पूरे पूरे गांव जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, क्या कोई सिस्टमेटिक काम नहीं किया गया, क्या डैम की वाकई में ज़रूरत है? ऑफ़ कोर्स बिजनेस कम्युनिटी से भी जो लोग हैं
वो भी इस चीज़ को, क्योंकि उनकी भी कुछ रकमें वहाँ जाती हैं और उन्होंने भी एक अच्छा डोनेशन दिया होगा, ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों ने दिए, लेकिन एक स्ट्रेटेजी बन नहीं पा रही उन, अब उन लोगों से हमारा क्या ताल्लुक है, क्योंकि वो सब वो लोग हैं जो ज़मीन में फसल लगाते हैं, हमारे लिए अनाज बोते हैं। अब क्या है, हर चीज़ महंगी होगी तो मईशत किस हाल में जाएगी, मुल्क पर कितने बैड इफेक्ट्स होंगे, जाहिर सब के आंसर है इसके बारे में। देखिए जी, बात यह है कि अभी ये जो सैलाब आया है जी सर, 2010 में भी आया था, बिल्कुल आया ठीक है, और 2010 में जो सैलाब आया था उससे कोई तकरीबन 2 करोड़ लोग मुतासर हुए थे, बिल्कुल हुए थे, और अब जो सैलाब आया है 2022 में, तो इसमें तकरीबन कोई 3.75 करोड़ लोग जो हैं वो तो बराह रास्त मुतासर हुए हैं, और उसके अलावा जो मुतासरीन हैं यानी बराह रास्त के बाद जो लोग अटैच्ड होते हैं, तो वो अगर लगा लें तो कोई 5-6 करोड़ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में 1000 लोगों की मर गए, 1500-1600 की जो इसमें कैजुअल्टीज हैं, बिल्कुल लोग शहीद हुए हैं इसमें, और हज़ारों की तादाद में या शायद मे भी लाखों की तादाद में मवेशी जो हैं वो भी उसमें बह गए, उनका रोजगार है, बिल्कुल अच्छा, फिर हज़ारों की तादाद में लोगों के घर बर्बाद हो गए, घर तबाह हो गए, अच्छा सड़कें तबाह हो गई हैं, अच्छा डैम की आपने बात की, तो डैम जो बलूचिस्तान में जितने डैम थे सारे बह गए, ठीक है, सिंध में जो है वो डैम कमज़ोर हुए हैं या उनके पुश्ते नहरों वगैरह वो भी खराब हुई। बात यह है कि हमने जो तामीरात की सड़कों की वो इतनी नाकस तामीरात थी कि वो पानी आया और बह गई, अच्छा जो डैम बनाए थे, जो डैम पानी ज़खीरा करने के लिए बनाए थे वो पानी से ही बह गए, तो मतलब आप अंदाज़ा लगाइए इस चीज़ से कि हमारे यहाँ तामीरात का मियार क्या है, और एक डैम बनता है तो उसमें 2-3 साल, छोटे डैम्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 साल में एक डैम बना, उसमें आपने करोड़ों रुपए के अखराज किए, लेकिन जब उसकी आजमाइश का वक्त आया कि जी जब उसकी उसमें पानी चाहिए, पानी ज़खीरा करना है, वो बह गया। तो बात यह है कि हमने ये इस तरीके से हम क्राइम है, ये हम चीज़ों को सही करते नहीं हैं, उसमें करप्शन है, उसमें पैसे ज़ाया हो जाते हैं, और आज पाकिस्तान का जो इब्तदाई तखमीना था कि जो हमारे नुकसान हुए हैं वो कोई $10 अरब का था, आज का जो तखमीना है वो $30 अरब का है, कि पाकिस्तान के जो नुकसान आते हैं वो इतने बड़े पैमाने पे हुए हैं। अभी अक्वामे मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल साहब यहाँ आए हुए हैं जी जी, और आज वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ उनके साथ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ आज दौरे पे गए हुए थे, सैलाब ज़दगान इलाके का विज़िट किया उन्होंने अपनी आँखों से देखा, और वो कह रहे थे कि बहुत लंबा और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की वो कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, और उसमें कॉन्फ्रेंस में फिर इसका तयन होगा कि जी पाकिस्तानियों को किस हद तक और किस अंदाज में कितनी हमें उसमें सपोर्ट करनी है फाइनेंशियली, दोबारा घर बनेंगे। हाँ, तो बात यह है कि ये इतना बड़ा नुकसान है, अब हमारा तो सांप सीढ़ी वाला गेम है ना, कि हम 10 साल लगा के चीजें बनाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। हाँ, किसी ने ये भी कहा टीवी पे सुना कि हम 25 साल पीछे चले गए, लम जितना दुख हुआ ये क्या बात है, बलूचिस्तान में जो हालात हुए। अब बात यह है कि हम जो है ये कोई अचानक नहीं आया सैलाब, ये ठीक है कि आपके तखमीने जो थे, तखमीने तो ये थे कि पहले से 5 गुना ज्यादा होगा, तखमीने तो थे, लेकिन हो सकता है कि उन तखमीनों से भी ज्यादा हो, ठीक है, सही। लेकिन तखमीने थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, और ये ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं था कि सैलाब आना है, हमें 4-5 महीने से फोरकास्ट हो रही थी कि इस दफा जो सैलाब आएगा वो पहले से बहुत ज्यादा होगा, इस दफा रेंज जो होंगी वो पहले से 4-5 गुना ज्यादा होंगी, फिर ये कि हम उस खत्ते में हैं जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है तो उसकी वजह से दुनिया में जो 196 ममालिक हैं उनमें से पाकिस्तान 15वें नंबर पे है जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है क्लाइमेट चेंज से, तो ये ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं था, हमें हर चीज़ का पता था, पिछले 10-15 साल से हम ये चीज़ जानते हैं कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पाकिस्तान में आफात आनी है, पाकिस्तान में बारिशें ज़्यादा होनी हैं, अगले साल शायद इससे भी ज़्यादा हों, तो ये होनी है, ग्लेशियर पिघलने हैं और सतह समुंदर जो है वो बुलंद होनी है, और जब सतह समुंदर बुलंद होती है ना तो फिर बारिश का पानी वो एक्सेप्ट नहीं करता समुंदर, तो इस वजह से पानी खड़ा रहता है, ठीक, तो ये होना है, ये सब पता था, तो जब पता था तो तैयारी कहाँ थी, हमारा जो NDMA है वो क्या कर रहा था, उसने कोई तैयारी नहीं की, और उसके लिए ये जब इतना नुकसान हो गया उसके बाद आर्मी को भी बुलाया गया, उसके बाद फिर सारे इदारे हरकत में आए, तो जब आपको पता है कि ये काम जो है अगले 15 दिन में होने वाला है या 1 महीने में होने वाला है या 4 महीने या 6 महीने में होने वाला है ये काम, तो वो 2-4 महीने 6 महीने पहले जो है क्या किया उन्होंने, जब वार्निंग थी
तो आपने क्या किया? नहीं, वार्निंग सिर्फ ये, उनको पता था कि पानी आना, लेकिन ये कभी नहीं वीडियो विजुलाइज हुई कभी, या कभी वायरल नहीं हुई कि देखें हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने बिफोर इसके कितने अच्छे इकदाम किए हैं। नहीं किया, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान से मियाँ जाहिद हुसैन साहब और सितारा इम्तियाज़ हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान। एक बार फिर प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी, और ऑफ कोर्स मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी और बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। कभी कभी हमारी गवर्नमेंट जो है इकदाम तो कुछ नहीं करती लेकिन माइंड जल्दी कर जाती है, लेट्स सी। लेकिन सच है, सच तो फिर आया हो जाता है। और बड़ी प्यारी गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि हम लोगों की जो बारिशें हुई उसके लिए बिफोर क्या प्लानिंग थी, कुछ नहीं, ज़ीरो, जिसकी वजह से आज डिज़ास्टर जो हुआ वो आज तमाम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ये बड़ी एक बड़ी बात है जो ओपनली करना। और दूसरी, डैम बनना चाहिए हमारे मुल्क में, ये भी एक बड़ी, एक बिज़नेस कम्युनिटी की जब मैं बात करूं तो हमारे मुल्क की मईशत की उन्होंने बात की थी, कुछ स्ट्रेटजीज़ अगर बना ली जाएँ तो हम दूसरे मुल्क से जो इम्पोर्ट करते हैं, अगर हम अपने ही आवाम पर, अगर हमारे ही जो वर्कर हैं, मज़दूर हैं, लेबर हैं, अगर हम उन्हीं पर इन्वेस्टमेंट करें तो अपने मुल्क की मईशत की डेवलपमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो लेट्स सी, हम बात करते हैं। बड़ा ही अभी सेंसिटिव क्वेश्चन कर रही हूँ, अब पता नहीं इनको अच्छा लगेगा वो बुरा। एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ सर। माशाल्लाह इतनी नॉलेज है, इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल पे आप गुफ्तगू करें, तो ये बताएं कि आप पार्टी में क्यों नहीं, किसी भी पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किया? देखिए, बात यह है कि हम बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और हर शख्स हर मैदान का शह सवार नहीं होता। अच्छा, तो आप नहीं समझते, यू आर नॉट कैपेबल। मैं समझता हूँ कि सारी पार्टियाँ हमारी हैं, ठीक है, पाकिस्तान की जितनी भी पार्टियाँ हैं वो हमारा एक नेशनल एसेट है। ओके। चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, ओके, सारी पार्टियाँ हमारी हैं। और हमें चाहिए कि ये सारी पार्टियाँ, क्योंकि हम किसी एक पार्टी के साथ अपने आप को ब्रैकेट करें तो मैं समझता हूँ कि हम क्यों ना पूरे पाकिस्तान के साथ हों, हम क्यों ना, जैसे अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए, ठीक, तो अगर आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी करती है तो एज ए नेशन करेंगे ना, उसमें सारी पार्टियां शामिल होंगी, तो हम भी वो पार्टी हैं कि जिसमें हम चाहते हैं कि सारी पार्टियां हों और हम मिलके काम करें। तो उसके लिए हम 1.5 इंच की अलग मस्जिद नहीं बनाना चाहते, क्योंकि बात यह ना कि देखें हम मासेज में तो ये हमारी पार्टियां हैं, ये पार्टियां काम कर रही हैं, इनको अगर हमारी कोई असिस्टेंस चाहिए मुआशी मैदान में
तजारती मैदान में, सनती मैदान में, जो असल में पाकिस्तान की बैकबोन है। देखिए मईशत ही है ना जो लोगों को रोजगार देती है, मईशत है जो लोगों को, जो गवर्नमेंट को टैक्स देती है। इस साल पाकिस्तान जो है 7,100 अरब रुपए का टैक्स का टारगेट है, पिछले साल 6,000 अरब था। तो ये टैक्स कहाँ से आ रहा है? ज़ाहिर है बिजनेस कम्युनिटी दे रही है। ये 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट 32 अरब डॉलर की कौन कर रहा है? ज़ाहिर है कि बिजनेस कम्युनिटी कर रही है। हमारी जो मईशत है पाकिस्तान की 300 अरब डॉलर सालाना की मईशत है। वाओ। और 300 अरब डॉलर के ये सालाना जो बिजनेस टर्नओवर है ये कौन कर रहा है? बिजनेस कम्युनिटी कर रही है। तो हम तो हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई एब्सेंट हैं, हम पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें बिल्कुल हैं, हम उसमें मौजूद हैं, हम उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। और हम समझते हैं कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें उनको असिस्ट करना है, हमें उनको सपोर्ट करना है, ताकि वो हुकूमत जो है कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाए। जबरदस्त। अगर हम खुद उस मैदान में कूद जाएं तो भी हो सकता है, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये कि हम समझ जाएं कि हम जिस मैदान में काम कर रहे हैं, हर एक आदमी का या हर एक बंदे का एक अपना अपना एक फील्ड होती है, तो हम अपनी फील्ड में माशाल्लाह फील्ड की बात करें तो फेडरेशन की बात करूँ, वहाँ पर होते हैं इलेक्शन। मैंने इसलिए सवाल किया था, वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन पार्टीज में भी होते हैं। आपको पता पॉलिटिकल पार्टीज बड़े इलेक्शन करती हैं, उनको वोट की ज़रूरत होती है। आप जब अपने बिजनेस कम्युनिटी में भी एक हर साल एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होते हैं, इलेक्ट होते हैं आप लोग जो भी, तो उसमें आपका किरदार माशाल्लाह बड़े आके फ्रंट में आप मेंशन करते हैं, तो उस वक्त आपको क्या लगता है कि यार क्या सामने वाली पार्टी ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रही, अब मुझे आना चाहिए इस मैदान में? देखिए बात यह है कि ये तो हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हर चीज़ में और हर जगह होता है जी। तो ज़ाहिर है कि आप ये देखते हैं कि जी अगर इस काम को ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो शायद बेहतर, कुछ कमी नज़र आती है आपको तो बेहतर हो जाए। तो ये तो हमेशा उसमें गुंजाइश मौजूद होती है और उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ें जमूद का शिकार हो जाएंगी। इसलिए एक उसमें वाइब्रेंसी होनी चाहिए। तो अब इस वक्त जो पार्टी फेडरेशन में काम कर रही है, मैं समझता हूँ आप मुतमईन हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, ठीक। लेकिन ये कि इससे भी अच्छा करने की गुंजाइश है, और बेहतर किया जा सकता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिनमें खामी है, ठीक। लेकिन सारी खामियाँ जो हैं ओवरनाइट दूर नहीं होती, तो उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो FPCCI है उसके साथ तकरीबन कोई 200-225 के करीब ट्रेड बॉडीज़ जो हैं वो मुंसलिक हैं, ठीक है। अच्छा, वो सारी पाकिस्तान की इकॉनमी और ट्रेड जो है वो इस तरीके से दर्जा बदर्जा फेडरेशन में जाके इकट्ठी हो जाती है। सही। फिर फेडरेशन जो है वो हर साल बजट तजावीज़ भी देती है, फिर हर साल इंपोर्ट पॉलिसी या हमारी ट्रेड पॉलिसी के हवाले से भी तजावीज़ देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर FBR के साथ हमारा फेडरेशन का क्लोज लाइजन होता है। सही। ये सारी चीज़ें हम उनको असिस्ट करते हैं, लेकिन बात यह है कि वो कोई चीज़ मानते हैं कोई चीज़ नहीं मानते हैं। तो उसमें कोई चीज़ जो मानते हैं और कोई चीज़ नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास फेडरेशन के लेवल पर उतना मौसर R&D का निज़ाम नहीं है कि जिससे हम अपनी बात किसी को फैक्ट्स एंड फिगर्स के ज़रिए मनवा सकें। तो हमारे यहाँ जो निज़ाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का FPCCI में, वो उतना अच्छा नहीं है, इतना म्यारी नहीं है कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट रिलाई कर सके। तो हमें चाहिए कि हम उसको इम्प्रूव करें ताकि वो हमारा रिलायबल एक सिस्टम हो, ताकि उसकी हमारी फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी की जो इनपुट है वो इतनी मौसर हो, इतनी साउंड हो, इतनी रिलायबल हो कि गवर्नमेंट खुद हमसे कहे कि जी फलां सब्जेक्ट है इसमें हमें दुश्वारी आ रही है, इस पर आप हमें स्टडी करके बताएं। तो जब हम उन्हें स्टडी करके बताएं तो रिलायबल स्टडी होगी तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी, और फिर इस तरीके से हमारी जो पॉलिसियां होंगी वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि फेडरेशन का एक इसमें इतना मौसर रोल है और होना चाहिए, लेकिन उसकी तरफ हमें खासा काम करना, काम और ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। पाकिस्तान में दो एक ऐसी बिजनेस यूँ कहूँगी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे एक KCCI कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड FPCCI फेडरेशन, तो दोनों का एक कंपटीशन है मैं ये कहूँगी। दोनों अपने जगह पर बहुत स्टैंडर्ड से वर्किंग कर रही हैं। आप क्या समझते हैं कि एज अ कम्युनिटी या एज अ बिजनेस की तरह जो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग भी कर रहे हैं और आप लोग भी करें, कि पाकिस्तान की मईशत को आप लोग सब मिल के क्या स्ट्रॉन्ग लेवल पर लेके जा सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं ले जा सकते? देखें कराची चैम्बर जो है वो ज़िले ही बुनियाद पे होते हैं चैम्बर जो है, तो कराची चैम्बर जो है वो एक कराची का चैम्बर है, ठीक है।
वेयर एज फेडरेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। पाकिस्तान में वैसे तो कोई 110 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मगर कोई 60 डिस्ट्रिक्ट्स में चैम्बर्स हैं, इसी तरह वुमेन चैम्बर्स हैं, इसी तरह SME के चैम्बर्स हैं, तो और इसी तरीके से फिर कोई 150 के करीब एसोसिएशन हैं। वो सारी जाके जो मर्ज करती हैं या एफिलिएट करती हैं वो फेडरेशन में करती हैं। तो इस लिहाज से फेडरेशन जो है वो एक समुंदर है और चैम्बर कोई भी हो तो वो एक नहर है या एक दरिया है जो सारे दरिया जाके समुंदर में मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा यानी कराची चैम्बर जो है वो उसके साथ हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है, बल्कि वो हमारा साथी है। हम और सारे चैम्बर जो है वो मिल के काम करते हैं। तो अब उसमें और कराची चैम्बर को मैं समझता हूँ कि उनकी जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो बहुत बेहतरीन है, बड़ी प्रोफेशनल है, ज़बरदस्त है। और सिराज कासम तेली साहब जो हैं मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने कराची चैम्बर में बड़ा प्रोफेशनलिज्म को परवान चढ़ाया और उसमें उसको जगह दी। तो इस तरीके से हमें लोग चाहिए कि जो काम करें और जो मेहनत करें। इसी तरीके से फेडरेशन में हमारे तारिक सईद साहब मरहूम, उन्होंने फेडरेशन के लिए बड़ी मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद की कि ताकि फेडरेशन FPCCI को उसका एक सही मकाम मिले। तो आज जिस सतह पे हमारी FPCCI है उसमें तारिक सईद साहब का एक अच्छा रोल है। फिर हमारे SM मुनीर साहब ने उसके लिए बड़ी कोशिश की और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इन लोगों के बड़ा अच्छा रोल है। फिर हमारे मियाँ अंजुम निसार साहब हैं जो इस वक्त रूलिंग ग्रुप है, करंट जो नहीं प्रेसिडेंट नहीं है, वो ग्रुप के चेयरमैन है, चेयरमैन जो रूलिंग ग्रुप है उसके वो चेयरमैन है मियाँ अंजुम निसार। तो उनके साथ भी मैंने 5-6 साल काम किया है, तो वो भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। बात यह है कि हमारे ये लोग जो हैं मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन फेडरेशन का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें हमें बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा और मजीद वर्किंग और स्ट्रॉन्ग करने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, दो नाम लिया भाईजान का आपने, SM मुनीर भाईजान, और दोस्तों में बचपन की दोस्ती तो अभी काफ़ी, क्योंकि आप लाहौर से स्टडी की, उधर से आए, बचपन गुजर गया, तो अभी करंट सिचुएशन में अभी दोस्ती, बैठक, पार्टी किन के साथ चलती? देखिए, हमारी तो बैठक और हमारी दोस्तियाँ जो है बिजनेस कम्युनिटी में है। कि हमारे नेशनल बिजनेस ग्रुप जो है हमारे साथ कुछ 100 के करीब चैम्बर एसोसिएशन हैं पूरे पाकिस्तान की। तो और फिर ये कि हमारी ज़ाहिर उठना बैठना हर वक्त इन्हीं लोगों के साथ है। तो SM मुनीर साहब का मैंने अभी आपसे तذکرہ किया, तो वो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे और वो पाकिस्तान के लिए ग्रेट एसेट हैं, पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर एसेट हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं। सिमिलरली बाकी दोस्त जो हैं हमारे जिनका मैंने अभी जिक्र भी किया, उनकी भी पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं। तो ये लोगों को, हमें पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि इन्हें संभाल के रखें, इनके साथ इनकी बातों को तवज्जो दें, इनकी कामों पर तवज्जो दें, इनकी बात को सुने और इनकी तजावीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हाथ में ये बेहतर ही होगा। ज़बरदस्त सर, अपने मुल्क की बात करें तो एक अलग सी, एक जाहिर सी बात है, अट्रैक्शन होती है अपने मुल्क की, एक अलग, एक आज़ादी है, फ्रीडम है, और आप बहुत सारी कंट्रीज़ में भी जाते हैं, कंपेयर भी करते होंगे कि यार यहाँ पर मैंने देखा KPK में, देखें अभी तो जल सैलाब से हुआ, लेकिन बहुत हसीन है, साफ़ सुथरा है, लाहौर भी बड़ा क्लियर है। आप कराची में, आपका सारा बिजनेस कम लिंक्स यहीं पर रिहाइश, कराची गंदा बहुत हो गया है, कराची कचरा हो गया है, क्यों नहीं इसके ऊपर काम किया? कराची जो है वो पाकिस्तान का कोई तकरीबन 62% शेयर है रेवेन्यू में। और कराची 3,500 अरब रुपया, तो 5,000 अरब रुपया जो है वो कराची साल का पाकिस्तान को टैक्स में जमा कराता है, और पाकिस्तान का तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और उस लिहाज से आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन पाकिस्तान की 10-12% आबादी जो है वो ऑल अलोन कराची में रहती है। ठीक है, अच्छा, अब कराची में उस हवाले से, उस तनासब से यहाँ पे सहूलियात और उस हिसाब से फैसिलिटीज होनी चाहिए। फिर कराची जो है वो आपका बिजनेस हब है, पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका कोई 42% एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ कराची से होती है, यानी यूँ समझ लें कि तकरीबन 42% का मतलब यह है कि पाकिस्तान की तकरीबन कोई 14-15 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान से होती हैं, कराची से होती हैं। ठीक है, तो अब इस पर्सपेक्टिव में अगर हम कराची को सही करेंगे, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, कराची में एजुकेशन की सहूलतें होंगी, कराची में हेल्थ की अच्छी अगर सहूलतें होंगी,
तो कराची के लोग अगर तरक्की करेंगे तो कराची तरक्की करेगा और मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि आप अगर लोग यानी ह्यूमन बीइंग अगर वो डिप्रेस्ड होंगे, वो परफॉर्म नहीं करेंगे, वो अपने मसाइल में होंगे, उनको घर के लिए पानी नहीं मिलेगा, उनको रात को नींद नहीं मिलेगी, उनको अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, उनको लॉ एंड ऑर्डर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हर वक्त अपनी परेशानियों में रहेंगे, वो हर वक्त डिप्रेशन में रहेंगे। जब वो डिप्रेशन में रहेंगे तो मुल्क और कौम के लिए क्या करेंगे, अपने रोज़गार के लिए क्या करेंगे? तो अगर वो अपना रोज़गार अच्छा कमा लेंगे, अगर एक शख्स जो है वो बेरोज़गार है तो माशरे पे बोझ है, ठीक, लेकिन अगर एक शख्स जो है वो 25,000 रुपये कमा रहा है तो इसका मतलब है कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। वही शख्स अगर 50,000 कमा रहा है तो इसका मतलब है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, और वही शख्स अगर 1,00,000 कमा रहा है तो इसका मतलब है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हम बेरोज़गारों को रोज़गार पर लाएँ, कम रोज़गार वालों को अच्छे रोज़गार पर लाएँ, तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी और हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी और हमारा शहर, हमारा पहले हम, फिर हमारा मोहल्ला, फिर हमारा शहर, फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अब हमारे मुल्क में जो जितने निचले तबके हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान का बुरा हाल हो रहा है, अभी तो हर घर में जनरेटर रखना पड़ गया, लाइट के लिए मसला, गैस के लिए मसला, पानी के लिए, यानी कि हम बिल्कुल इनिशियली चीज़ों के लिए इतने उलझे हुए हैं, और एक बंदा इतना थका हुआ, फिर वो ट्रैफिक का सिस्टम बिल्कुल धरम भरम, और वो जब तक घर में पहुंचता है तो उस वो जो जिस बंदे ने 5-6 बजे घर पहुंच जाना है वो रात को 9 बजे पहुंचता है और आगे लाइट नहीं होती है, कितना मसला होता है। आप मुझे बताएं कि इनिशियली चीज़ें हमें कब प्रोवाइड होंगी, टैक्स प्रॉपर दिए जा रहे हैं, बिजली के बिल प्रॉपर दिए जा रहे हैं, क्यों नहीं है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर आप बताइए, पाकिस्तानी कौम जो है इसको कम से कम 8,000 अरब रुपए टैक्स देना चाहिए, कम से कम, ओके, ठीक। और हम लोग पिछले साल तक हमने शायद 6,000 अरब टैक्स दिया है, इस साल 7,000 अरब देंगे। अच्छा, अब तखमीने जो है, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ 8,000 अरब, ये कोई 10 साल पहले का तखमीना है। अच्छा। इस वक्त हमारी पाकिस्तानी कौम को कोई 10 से 12 हज़ार अरब रुपया साल का टैक्स देना चाहिए, हम दे रहे हैं 7,000 अरब, तो इसका मतलब है कि हम तकरीबन 30% के करीब टैक्स चोरी करते हैं। ओके, समझे आप? जो आप कह रही थी ना, हम टैक्स दिए जा रहे हैं, तो हम टैक्स नहीं देते, हम टैक्स चोरी करते हैं, एक ये बात ध्यान में रखें। दूसरी बात ये कि हमारी कौम, अल्लाह माफ़ करे, कि हम तकरीबन 300 अरब रुपए साल की बिजली चोरी करते हैं। 300 अरब रुपये साल का मतलब ये कि तकरीबन 1.5 अरब डॉलर की हम बिजली चोरी करते हैं। ओके। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वसाइल तो बहुत दिए हैं, सही, लेकिन हम उसको पे दर पे कहीं ना कहीं उसमें इतने नुकसानात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम गरीब हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा ना 300 अरब डॉलर की इकॉनमी इस साल की हमारी, और 1.25 अरब डॉलर हमने IMF से लेने के लिए हमने नाक से लकीरें रगड़ी 4 महीने, इसलिए कि अगर वो 1.25 अरब डॉलर हमें ना मिलता, 300 अरब डॉलर की इकॉनमी, 1.25 अरब डॉलर का कर्जा और लकीरें रगड़ना, वो अगर हमें ना मिलता तो फिर हमें जो सऊदी अरब से कर्ज़ा मिलना है, चाइना से मिलना है या कतर से मिलना है, वो कर्ज़े हमें ना मिलते, तो वो यानी 8-10 अरब डॉलर के कर्ज़े हमें इस IMF के ठप्पे की वजह से मिलने थे, तो वो अगर ना होता तो फिर बाकी नहीं मिलते कर्ज़े, तो इसलिए हमें ये करना पड़ा। और वो इसलिए लोग हमसे लकीरें निकलवा रहे हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि यार इतनी स्ट्रांग नेशन है और उसके बावजूद ये फिर पैसे मांगते हैं, अपना नुकसान करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपसे जो रह गई थी कि अब ये सैलाब जदगान के हवाले से, yes, उनकी इमदाद, अब उनकी इमदाद के लिए बेशुमार तंजीमें मैदान में, ठीक है, जो सबसे अहम तंजीम है वो क्या है, हिलाल अहमर पाकिस्तान, जिसका काम है रफाई कामों में हिस्सा लेना और आगे बढ़ चढ़ के। अच्छा, क्या है कि इंटरनेशनल रेड क्रीसेंट सोसाइटी है, रेड क्रॉस जिसको कहते हैं, तो इंटरनेशनली रेड क्रॉस है और उसमें पाकिस्तान या इस्लामी मुल्कों में जो उसकी ब्रांचें हैं उसको हिलाल अहमर कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी हिलाल अहमर जो है इसका पूरी दुनिया में नेटवर्क है, सही? अच्छा, अब पूरी दुनिया के जो डोनर्स हैं वो रेड क्रॉस पे ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, ये रफाई कामों के लिए, ठीक, जहाँ कहीं तबाही हो, बर्बादी हो, कोई इस तरह सैलाब आ जाए, कोई इस तरह की चीज़ हो, क्लैमिटी हो, तो उसके लिए वहाँ पे रेड क्रॉस होती है, हमारे यहाँ हिलाल अहमर है, तो वो लोग उनको डोनेट करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमारी जो हिलाल अहमर है इसकी चूँकि पूरी दुनिया में नेटवर्क है, इसको हम यूज़ करें। ठीक है। इसमें हमारे अभी नए चेयरमैन जो आए हैं, सरदार शाहिद अहमद लगारी, अच्छा,
बिजनेस मैन है, हमारे नेशनल बिजनेस ग्रुप के भी वो लीडर हैं हमारे मेरे साथी हैं, तो वो बड़े अच्छे ईमानदार और मेहनती शख्स हैं। और अभी चार दिन हुए उनको ये चार्ज संभाले हुए, पहले गुलूकार थे इब्रारुल हक, तो वो तो अपने गुलूकारी में या इधर उधर सियासत में थे। तो बात यह है कि इनको हमें शायद लगारी साहब को और ये हमारा हिलाल अहमर है इसको हमें यूज़ करना चाहिए। तो पूरी दुनिया में ये इनकी चूँकि नेटवर्क है उस नेटवर्क को यूज़ करना चाहिए, तो उसके ज़रिए जो है हम पाकिस्तान में लोग डोनेट कर सकते हैं, पैसे आ सकते हैं। और फिर ये कि इनका इन एक्टिविटीज़ करने के हवाले से लोगों को जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से भी इनका हर शहर में नेटवर्क मौजूद है, तो वो जो है अगर इनको चैनलाइज किया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया तो फ्रंट पे नजर नहीं आया। तो नहीं, अभी चार दिन हुए ना उन्हें चार्ज लिए। अच्छा, ठीक। तो उन्होंने माशाल्लाह आते ही दादू में काम कर लिया है, खैरपुर में काम कर लिया है, बलूचिस्तान में टेंट्स वगैरह भिजवा दिए हैं और सिंध के दीगर कई शहरों में उन्होंने अपना काम ऑलरेडी शुरू कर दिया। और हिलाल अहमर जो है वो इस वक्त 24 घंटे काम कर रही है, उन्होंने छुट्टियाँ वुट्टियाँ सब कैंसिल कर दी हैं, रात दिन 24 घंटे वहाँ पर काम हो रहा है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूँगा, हमारे लोगों से भी कहूँगा, सिंध गवर्नमेंट से भी कहूँगा, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी, कि हिलाल अहमर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें और जितनी रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो इनके थ्रू करें। तो फिर उससे क्या होगा कि ये जितने एनजीओज़ वगैरह हैं उनको भी इनके साथ अगर नेटवर्क में शामिल कर दें तो ज़्यादा अच्छा, तो वो एक मौसर नेटवर्क होगा। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इनका जो इंटरनेशनल नेटवर्क है वो इनके साथ चूँकि कोलैबोरेट कर रहा है तो उसका फ़ायदा हमें, उसका एडवांटेज। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना प्राइड ऑफ पाकिस्तान। फिर खुश आमदेद प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ, बड़ी प्यारी गुफ्तगू चल रही है और बहुत ही नॉलेज मुझे भी शायद इतनी नहीं थी, उन लोगों ने मुझे बहुत सारी नॉलेज दे दी। और अब मैं उनको एक ज़बरदस्त सवाल देने वाली हूँ और वो है आने वाली जनरेशन और जो अभी एक्टिव हमारी यूथ एंड एंटरप्रेन्योर्स वूमेंस हैं वो बेसिम्ट जो है एक स्ट्रगल कर रही हैं, तो हमारे मुल्क में ऐसे टैलेंटेड लोगों को कैसे मौका दिया जाए या उनके लिए हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने क्या सोचा हुआ है। तो मैं वेलकम अगेन करती हूँ मियाँ जाहिद साहब से। सर, सवाल आपने सुना, ये बताएं कि माशाल्लाह क्योंकि आप एक बिजनेस लीडर भी हैं, कम्युनिटी भी देख रहे हैं और फेडरेशन को भी प्रेजेंट कर चुके हैं, तो ये बताइए कि ये आने वाली जो अभी करंट यूथ है या एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं, स्किल्स वुमेन्स हैं, इनके लिए फ्यूचर प्लानिंग में क्या आपकी सोच है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक यूथ का ताल्लुक है, यस सर, मैंने अभी आपको कहा कि पाकिस्तान में कोई 62-63% के करीब जो आबादी है वो यूथ पे है, यूथ है, और इसका मतलब है कि 12-13 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो नौजवान हैं। ठीक।
और नौजवानों में आपको पता है एनर्जी बहुत होती है, ठीक है ना, और फिर नौजवानों में एजुकेशन भी कदरे बेहतर है, जो हमारी पुरानी नस्ल है उसके मुकाबले में नौजवानों में कदरे बेहतर है। अब इस पर्सपेक्टिव में हमारे नौजवानों को हमें क्या करना चाहिए? दूसरी बात ये कि उन्हें हम स्किल्स दें। अगर कोई बच्चा कम पढ़ा लिखा है तो उसको हम ड्राइवर बना दें, उसको हम दर्जी बना दें, उसको हम खानसामा बना दें, उसको हम क्या कहते हैं गाड़ी का मैकेनिक बना दें, मोटरसाइकिल मैकेनिक बना दें, प्लम्बर बना दें, यानी कोई ना कोई स्किल उसके पास होना चाहिए। अगर हम उसको स्किल दें तो आज जो आपके स्किल्ड लोग हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपका एक प्लम्बर है, बिल्कुल हुनर उसके हाथ में है, तो वो अंदाजा होगा कि एक प्लम्बर जो है वो मैट्रिक अगर पढ़ा हुआ है या 6-7 जमात भी पढ़ा हुआ है आजकल, तो वो 1-1.25 लाख रुपए महीना कमाता है। बिल्कुल ठीक है, समझे ना। तो बात यह है कि हमें चाहिए कि लोगों को स्किल दें। अच्छा, इसी तरह इंडस्ट्री में हम जो इसमें कारीगर होते हैं, जो पावर लूम्स चलाते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो भी 1-1.25 लाख रुपया महीना जो स्किल्ड वर्कर हैं वो कमाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने लोगों को स्किल दें। तो एक तो ये बात। अच्छा, फिर जो लोग जो बच्चे हमारे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जो यूनिवर्सिटियों के हैं, जो कॉलेज के हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको हमें चाहिए कि उनको हम आईटी की ट्रेनिंग दें। उनको आईटी की अगर हम ट्रेनिंग दें तो एक बच्चा या एक बच्ची जो है वो घर बैठे आजकल 30-40-50 डॉलर पर डे कमा सकता है। तो 40-50 डॉलर पर डे का मतलब ये हो गया कि तकरीबन 10,000 रुपये वो रोज़ाना कमा सकता है। तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग कितनी चाहिए? 2-3 महीने। एक लैपटॉप चाहिए, 2-3 महीने की ट्रेनिंग चाहिए। और वो फिर अच्छा, और वो एक चलती फिरती इंडस्ट्री है। बिल्कुल, जो सोशल मीडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्ग, टेक्नोलॉजी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो हमें चाहिए कि बच्चों को हम इस तरफ उनको ट्रेनिंग दें ताकि वो इस तरफ काम करें। तो हमने हमारी जो यूनिवर्सिटियों से जिनका मेरा ताल्लुक है, तो उनमें ऑलरेडी हम उन बच्चों को हम इस तरफ ला रहे हैं कि ताकि बच्चे जो हैं वो जैसे मोबाइल फ़ोन की एप्स बनाना, उस तरफ हमें उन्हें ट्रेन करना चाहिए, ठीक है ना। तो आईटी में, और बहुत बड़ी फील्ड है ये कि इसमें आप एक बच्चा जो है वही सब कुछ कर सकता है, तो हमें उस तरफ आना चाहिए। तो इसी तरीके से डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, बिल्कुल वो हमें बच्चों को उस तरफ ट्रेन करना चाहिए। तो ये कोई बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग नहीं है, महीना 20 दिन, 2-3 महीने की ट्रेनिंग से एक जो भी बच्चा है वो इस तरफ, यानी उसके शौक पे डिपेंड करता है। एक क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोबाइल में इतना कुछ हो गया है। टेलीविजन में चले जाएं तो वहाँ पर सारे लोग कुछ वेब पे काम कर रहे होते हैं, कुछ ग्राफिक पे काम कर रहे होते हैं, कार्टून्स कैरेक्टर बना रहे होते हैं। तो सही सही कह रहे हैं, बहुत कुछ कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें हैं। इंटीरियर फीमेल की जब हम बात करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू इतना कुछ होता है, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा काम है सर। ऑनलाइन बिजनेस इतना शुरू हो गया, ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स है, सेलिंग रेवेन्यू लोगों के बढ़ गए हैं इसमें, बहुत फायदा है, ई कॉमर्स है। तो इस तरफ जो है हमारे यूथ जो है उसको इस तरफ आ रही है, ऑलरेडी आ रही है, तो हमें चाहिए कि उसके लिए और चैनलाइज करें। इसलिए इस वक्त क्या हो रहा है कि हमारी जितनी यूथ जो भी बाहर चीज़ें सेल कर रहे हैं ना, तो उनको वहाँ से पैसे नहीं आते। पैसे कैसे आएंगे? उसके लिए पैसे आने का यानी आपने देखा होगा, अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्रेडिट कार्ड चार्ज कराते हैं। पाकिस्तान से अगर किसी ने बाहर कोई चीज़ खरीदनी है तो वो एक मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, उसके लिए पेपैल और इस तरह के सिस्टम होते हैं जो पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमारे जो बच्चे कुछ चीज़ बाहर बेचते भी हैं तो उनको फिर दुबई पैसे मंगवाने पड़ते हैं, तो वो चाहिए कि डायरेक्ट पाकिस्तान उनके पैसे आ जाए। तो ये चीज़ों को हमें छोटी छोटी फाइन ट्यूनिंग्स हैं, स्टेट बैंक को चाहिए इस सिस्टम को इन प्लेस करें थोड़ा, यानी कि आने वाली जनरेशन्स को थोड़ा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिससे वो उनको एक सही राह मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि हमने क्या इसी तरह वुमेन करना है। बिल्कुल, तो वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें अगर थोड़ा अरसा पहले की बात है कि हमारी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर थी वो अपने कपड़े बना के, फैब्रिक्स बना के, गारमेंट्स बना के वो इंडिया लेके जाती थी, वहाँ एग्जीबिशन लगाती थी और वो सारा माल उनका वहाँ बिक जाता था, हाथों हाथ बिक जाता था, ठीक है। इसी तरीके से हमें चाहिए कि हमारी वुमेन को हम एम्पावर करें, और उसके लिए टीडैप ऑलरेडी एक इदारा है, लेकिन उसको अपनी कारकर्दगी को मेरा ख्याल है कोई 100 times और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है उसका। हाँ, तो उसमें हमें चाहिए कि हमारी इतनी यूथ की चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, इस तरह वुमेन की हैं, क्योंकि वो बड़े पैमाने पे उनके पास वसाइल नहीं होते कि वो एक्सपोर्ट कर सकें, तो उनको असिस्ट करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमारी जो वुमेन हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं
वो डिज़ाइनिंग है, वो कपड़े बनाती हैं, वो हैंडकरचीफ्स बनाती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइनिंग करती हैं, तो वो उनको भी इनक्रेज किया जाए ताकि वो अपनी चीज़ें और हैंडीक्राफ्ट्स खास तौर पे वो बाहर एक्सपोर्ट करें। ज्वेलरी, हैंडमेड, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और इंशाल्लाह ताला हमारे आने वाली जितनी जो है जनरेशन है, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं, यूथ है, ऑफकोर्स ऐसे इंस्परेशन लोग ऑफकोर्स उनको कुछ ना कुछ एक रहनुमाई देंगे तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। अच्छा जी सर, जाने का वक्त हो गया है, पता ही नहीं चला आपके साथ अभी इतने सारे सवाल और टाइम है ख़त्म, तो मैं इनका शुक्रिया करती हूँ। लेकिन जाने से पहले इनसे एक छोटा सा मैसेज लेते हैं, अपनी आवाम के लिए देना चाहते हैं मैसेज या बिज़नेस कम्युनिटी को मैसेज देना चाहते हैं, या अपनी पार्टी, जितनी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने ये सिस्टम क्रिएट की जिसकी वजह से सारे लोगों को मुश्किल होती है। मैं एक मैसेज किसको मैसेज ये आपका कहना है? मैं पाकिस्तानियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है, कतई नज़र के कौन क्या है, पाकिस्तानी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते ये जो हमारी पॉलिटिकल अनरेस्ट है, अदम इस्तेहकाम है सियासी, इसको ख़त्म करें। इसको अगर हम ख़त्म करें तो दो तीन बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारे ये तमाम अगर लीडर बैठ जाएं, कोई बड़े एजेंडे के ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं है, दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें इतने बड़े अमाउंट की इम्पोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें वही पैसे जो हैं अपने किसान को देने चाहिए, हमें जो है अपना किस तरीके से अपना इकॉनमी को दुरुस्त करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो गुज़श्ता 20-25 सालों से हम 600-700 अरब रुपया हर साल ज़ाया करते हैं, ये जो हमारे सरकारी इदारे हैं जो लॉस में जा रहे हैं, इनको किस तरह हमने ठीक करना है। देखें आज अगर एक पार्टी है वो कहती है इनको प्राइवेटाइज करो, तो जो अपोजिशन में पार्टी है वो कहती नहीं करो, इस वजह से वो चीज़ होती नहीं और 600-700 अरब रुपया हर साल हम लॉस कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें, अगर तमाम हमारी सियासी जो इख्तलाफात हैं, कम अज़ कम ये 4-5 चीज़ों के लिए अगर हम ख़त्म करके और एक एजेंडा बना लें, मुश्तरका एजेंडा बना लें, तो ये पाकिस्तानी कौम का जो 20 अरब डॉलर हर साल ज़ाया हो रहा है ये ज़ाया होने से बच जाएगा, वो हमारे गरीब लोगों पे लगेगा, उनकी हेल्थ और एजुकेशन पे लगेगा, उनकी सिविक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, तो कम अज़ कम ये चीज़ें हमारी ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपके साथ बड़ा खूबसूरत हमने ये टाइम स्पेंड किया। नाज़रीन, प्राइड ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान से हमारे दरमियान मौजूद थे सितारा इम्तियाज़, मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए खूबसूरत से गेस्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।